हेलो, माई सेल्फ दीप्ति रंगनानी, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर. टुडे वी विल डील्स विथ कॉम्प्टन इफेक्ट. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्टन इफेक्ट एंड वी विल कंटिन्यू टुडे द डेरिवेशन ऑफ क्वांटम कॉम्प्टन इफेक्ट. जैसा कि कॉम्प्टन इफेक्ट में हमने पढ़ा था कि प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत की या इलेक्ट्रॉनों की कणीय प्रकृति को प्रमाणित क्वांटम सिद्धांत ने किया था. क्वांटम सिद्धांत ने निश्चित तरंग धैर्य के एक एक्स किरणों को प्रकीर्णित करने वाले द्रव्य के नमूने जैसे कार्बन या कोई हल्की धातु एल्यूमिनियम पर डाला जाता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, और एक्स विकिरण स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा प्रकीर्णित विकिरणों का परीक्षण करने पर यह पाया कि प्रकीर्णित किरणों की जो तरंग धैर्य है लैम्डा डैश, वो आप विकिरणों की तरंग धैर्य से अधिक हो जाती है, अर्थात आवृत्ति कम हो जाती है, और इन कम आवृत्ति की रेखाओं को क्वांटम रेखाएं या इस परिघटना को क्वांटम इफेक्ट कहते हैं. इसकी व्याख्या को करने के लिए प्लैंक ने क्वांटीकृत सिद्धांत, विकिरण की फोटोन जो है उसकी ऊर्जा एच न्यू मानी, उसके आधार पर करते हैं. क्वांटम इफेक्ट को समझने के लिए हम चित्र के अनुसार माना कि एक फोटोन जिसकी ऊर्जा एच न्यू है और संवेग एच न्यू अपॉन सी है, m0 द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन से टकराता है और टक्कर के फलस्वरूप फोटोन एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है. इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्रमशः शून्य और पी है, जहाँ पर p = mv है. टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा ग्रहण करता है और टक्कर के उपरांत माना कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा mc² हो जाती है और संवेग mv हो जाता है, जैसा कि जो कि x अक्ष के साथ फाई कोण बनाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है. क्वांटम ने फोटोन और इलेक्ट्रॉन टक्करों को पूर्णतः प्रत्यास्थ मानते हुए ऊर्जा संरक्षण या संवेग संरक्षण के नियम का उपयोग कर तरंग धैर्य में विस्थापन को ज्ञात किया. ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार h(ν+mc²)=h(ν-mc²). संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार आपतित फोटोन की दिशा में अगर हम लें प्रारंभिक संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग, तो संवेग का x घटक भी है और y घटक भी है. तो x डायरेक्शन में अगर हम स्टडी करते हैं प्रारंभिक संवेग की, तो वो हो जाएगा h(ν+c+0)=h(ν-mc cos θ + mv cos φ, और y घटक दोनों का प्रारंभिक संवेग 0 है, और y घटक में जो अंतिम संवेग है वो है h(ν-c sin θ - mv sin φ. अब हम उन दोनों इक्वेशंस को अगर हम व्यवस्थित करें तो हमारे पास इक्वेशंस प्राप्त होंगी mvc cos φ = h(ν-ν-cos θ और mvc sin φ = h(ν-sin θ. दोनों अगर इक्वेशंस को अगर हम सम करके जोड़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में sin²φ + cos²φ = 1 हो जाएगा. तो इक्वेशन हमें प्राप्त होगी m²c²v² = h²(ν²-2νν-cos θ + ν²). अगेन राइट हैंड साइड में cos²θ और sin²θ को जोड़ते हैं, वो प्लस करते हैं, तो 1 प्राप्त होता है. अब इन इक्वेशंस में जो इक्वेशन नंबर 33 दिखाई गई है उसमें mc² = अगर हम h(ν-ν-m0c²) की फॉर्म में लिखते हैं और उसका वर्ग करते हैं इस इक्वेशन का, तो हमें प्राप्त होती है इक्वेशन m²c4= h²(ν²-2νν-νν²-2h(ν-νν-m0c²)-m0c4. और इन जो ऊपर उपरोक्त इक्वेशन है उसमें से 36 समीकरण को 37 में से घटाने पर हमें इक्वेशन प्राप्त होती है m²c²c²-v² = −h²(νν-1-cos θ + 2h(νν-νν-m0c²) + m0² c4. और सापेक्षवाद के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान m और उसके विश्राम द्रव्यमान m0 में संबंध होता है m = m0/√1-v²/c². अब इस इक्वेशन के बाद अगर हम m² की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें इस वाली इक्वेशन से, तो इस वाली इक्वेशन से m² की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पर हमें जो फाइनल इक्वेशन प्राप्त हो रही है डेल्टा लैम्डा की, वो इक्वेशन प्राप्त होगी λ-λ = h/m0c1-cos θ.
और इस इक्वेशन से स्पष्ट है कि जो तरंग धैर्य में विस्थापन, जो तरंग धैर्य है, सदैव आपतित किरणों की तरंग धैर्य से अधिक होती है। और इसके अतिरिक्त डेल्टा लैम्डा, जिसे कि हम तरंग धैर्य विस्थापन कहते हैं, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 2h/m0c sin²θ/2, क्योंकि 1 cos θ को हमने सब्स्टिट्यूट किया है 2 sin²θ/2 से। डेल्टा लैम्डा को क्वांटम शिफ्ट या क्वांटम विस्थापन कहते हैं। और प्रकीर्णन विकिरण की तरंग धैर्य हमेशा विकिरण की तरंग धैर्य से अधिक होती है। उपरोक्त इक्वेशन में यदि हम जो डेल्टा लैम्डा है उसकी जो वैल्यू है वो प्रकीर्णन कोण थीटा पर निर्भर करती है, अतः यदि थीटा इज इक्वल टू 0 है, मतलब आपतित और प्रकीर्णन विकिरण समांतर दिशा में हो, तो डेल्टा लैम्डा, चूँकि कॉस 0 होता है, तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू 0 प्राप्त होगी। यदि प्रकीर्णन कोण 90° हो, कि आपतित विकिरण की लंबवत दिशा में जाता है, प्रकीर्णन विकिरण आपतित विकिरण की लंबवत दिशा में जाता है, तो कॉस 90 0 होगा। और sin²θ/2 sin²45 1/2 के बराबर होगा, अतः हम लिख सकते हैं डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू h/m0c। और इसमें अगर m0 की, c की और h की वैल्यू डालें तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू प्राप्त होगी 0.0242 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से अगर थीटा इक्वल टू 0 हो तो हमें पता है कि sin 0 होता है, इसलिए डेल्टा लैम्डा की वैल्यू 0 होगी। और थीटा इक्वल टू 90° हो तो हमें पता है कि जो साइन 90/2 = 45 = 1/√2 इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्राप्त होगा, इसलिए डेल्टा लैम्डा की वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है 0.0242। तो इसका प्रायोगिक मान भी 0.0236 आता है, जो कि उपरोक्त मान से काफ़ी समानता रखता है। अतः आपतित विकिरण की लंबवत दिशा में प्रकीर्णन के लिए डेल्टा लैम्डा के इस स्थिर मान को इलेक्ट्रॉन या क्वांटम तरंग धैर्य या क्वांटम तरंग धैर्य, क्वांटम वेवलेंथ कहते हैं। और यदि अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, तो sin²θ/2 sin90 = 1 होगा। और डेल्टा लैम्डा की वैल्यू 2h/m0c और वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पर 0.0484 एंगस्ट्रॉम पाई जाती है। तो इस तरह से यह मान क्वांटम तरंग धैर्य से दोगुना होता है और थीटा का मान भी दोगुना है, अतः स्पष्ट है कि थीटा के मान में जितनी वृद्धि होगी उसी अनुपात में डेल्टा लैम्डा के मान में वृद्धि होगी। अब हम क्वांटम प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन पढ़ते हैं। क्वांटम ने अपने सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन जो है वो चित्र में दर्शाए अनुसार किया कि इसमें एक शीशे का कक्ष क्यू, जिसमें कि रखी एक्स किरण नली जो कि सोर्स है, उससे एक वर्णी किरण प्रकीर्णित होकर के स्लिट्स S2 व S3 द्वारा ब्रैग के एक्स एक किरण स्पेक्ट्रोमापी के क्रिस्टल सी पर ले जाई जाती है, जिसके द्वारा प्रकीर्णित किरणों के तरंग धैर्य बॉक्स 1 के द्वारा नापी जाती है। प्रकीर्णक R और एक्स किरण नली को घुमाकर प्रकीर्णित कोण को परिवर्तित किया जा सकता है। क्वांटम ने थीटा इक्वल टू 90° पर तरंग धैर्य में परिवर्तन को नापा, जो कि 0.022 प्राप्त हुआ, जबकि समीकरण में मान रखने पर डेल्टा लैम्डा का मान हम पढ़ चुके हैं कि 0.0242 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है, जो कि सैद्धांतिक मान से मेल खाता है। तो इस तरह क्वांटम प्रभाव की सत्यता की पुष्टि होती है। और क्वांटम ने यह भी बताया कि जैसे जैसे प्रकीर्णन कोण थीटा का मान बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे तरंग धैर्य का जो परिवर्तन है डेल्टा लैम्डा वो भी बढ़ता जाता है। तो इस तरह से आज हमने क्वांटम इफेक्ट और क्वांटम इफेक्ट की डेरिवेशन और क्वांटम इफेक्ट का प्रायोगिक सत्यापन पढ़ा। दिस इज ऑल अबाउट क्वांटम इफेक्ट। थैंक यू।